वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो असेंबली कैंडिडेट्स की जो है वो असेंबली इलेक्शंस में जिन कैंडिडेट्स को जो है वो टिकटें दी हैं उनकी लिस्ट जो है वो तीसरी लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। और आपको बताते चलें कि इससे पहले भी बीजेपी ने इन कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी, लेकिन उसे फिलहाल अपडेट जो है वो किया गया है और ये लिस्ट जो है वो आज सामने आ चुकी है, जिसमें आपको बता दे चलें कि आरएसपुरा जम्मू साउथ से नरेंद्र सिंह रैना जी जो है वो कैंडिडेट होंगे एमएलए के, और सुचितगढ़ से गारूराम भगत जी, जबकि नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा जी और जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी जी जो है वो एमएलए के कैंडिडेट होंगे। जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता जी का नाम यहां पर बताया गया है और जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा जी को टिकट मिली है। अखनूर से जो है वो श्री मोहनलाल भगत जी, जिन्होंने जो है वो कुछ ही दिन पहले बीजेपी को ज्वाइन करा था, लेकिन शंभ असेंबली सीट के हवाले से बात करें तो राजीव शर्मा जी को यहां से जो है वो टिकट दी गई है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि विजयपुर से जो है वो श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी को, और सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया जी को, रामगढ़ से दविंदर कुमार मनियाल जी को, और हीरानगर से जो है वो विजय कुमार शर्मा जी को जो है वो टिकट दी गई। हालांकि इस लिस्ट में कोई भी किस तरह का जो खासा बदलाव है वो देखने को नहीं मिला है। उधमपुर वेस्ट के हवाले से बात करें तो इसमें पवन गुप्ता जी, जिन्हें पहले जो है वो जिनका नाम पहले लिस्ट में था, उन्हीं को जो है वो टिकट मिली है। चनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया जी बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट मिली है। रामनगर से सुनील भरद्वाज जी को जो है वो टिकट मिली है, जबकि बणी से जो है वो जीवन लाल जी को, और बिलावर से सतीश शर्मा को शेयर करते चले। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो कुछ बदलाव किया गया है वो सिर्फ एक ही सीट पर देखने को मिला है, यानी कि जो श्री माता वैष्णो देवी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां बीजेपी की तरफ से जारी की गई इस लिस्ट में सिर्फ एक ही असेंबली सीट पर जो है वो बदलाव किया गया है। श्री माता वैष्णो देवी जो असेंबली सीट है, यहां से पहले रोहित दुबे जी थे, लेकिन उनका नाम हटाकर यहां पर बलदेव राज शर्मा जी का नाम यहां पर रखा गया है। कालाकोट सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह जी बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, जबकि रियासी से कुलदीप राज दुबे जी, और गुलाबगढ़ से मोहम्मद अकरम चौधरी जी, जबकि हबकदल से श्री अशोक भट्ट जी यहां पर जो है बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। जिस तरह से पहले भी बीजेपी ने लिस्ट जारी की थी तो उसमें तमाम जो बीजेपी के लोग थे वो बीजेपी के ही खिलाफ हो चुके थे और ये कह रहे थे कि पैराशूट से आने वाले जो नेता हैं उन्हें जो है बीजेपी द्वारा टिकट दी गई है। और बुद्दल के हवाले से बात करें तो बुद्दल से चौधरी जुल्फकार अली जी, जिनका नाम पहले था, वही इसमें जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। थाना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक जी बीजेपी से जो है वो एमएलए के कैंडिडेट होंगे। सुरनकोट से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी जी, और पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी जी, मेंढर से मुर्तजा खान जी जो है बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। तो इसमें कुछ खासा बदलाव जो है वो नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है सिर्फ एक श्री माता वैष्णो देवी जो असेंबली सीट है उसको लेकर ही यहाँ पर जो है वो बदलाव देखने को मिला है, जिसमें रोहित दुबे जी को खड़ाकर जो है वो बलदेव राज शर्मा जी को वहां से टिकट दी गई है। और फिलहाल देखने वाली बात है कि जनता का जो है वो इसको लेकर क्या कुछ कहना रहता है, क्योंकि लगातार बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के ही लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज फिर से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जो है वो थर्ड लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें साफ तौर पर बता दिया है कि आखिरकार कौन सी जगह से जो है वो किसको टिकट मिली है। उधमपुर वेस्ट से पवन गुप्ता जी एमएलए के कैंडिडेट होंगे, जबकि चनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया जी, और इसी के साथ साथ रामनगर से श्री सुनील भरद्वाज जी, और बणी से जीवन लाल जी, बिलावर से सतीश शर्मा जी, बसोली से दर्शन सिंह जी, जसरोटा से राजीव जसरोटिया जी जो है वो यहाँ पर कैंडिडेट होंगे, और हीरानगर से एडवोकेट विजय कुमार शर्मा जी, जिनका नाम पहले भी था, रामगढ़ से देवेंद्र कुमार मनियाल जी, और बाकियों के नाम आप सब ये देख पा रहे होंगे कि सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया जी को टिकट मिली है, और विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा जी को, और सुचितगढ़ से गारूराम भगत जी को, आरएसपुरा जम्मू साउथ से नरेंद्र सिंह रैना जी को, और जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी जी को, और नगरोटा से जो है वो देवेंद्र सिंह राणा जी को जो है वो टिकट मिली है। जम्मू वेस्ट से श्री अरविंद गुप्ता जी जो है वो एमएलए के कैंडिडेट होंगे, और जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा जी, जबकि अखनूर से मोहनलाल भगत जी, और शंभ से राजीव शर्मा जी जो है वो यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। तो आप जनता भी अपने अपने सुझाव ज़रूर साझा करें कि आप सब लोगों का इस लिस्ट को लेकर क्या कुछ कहना है, और क्या जिस तरह से ये भी सुनने में आ रहा है कि इस लिस्ट को लेकर जो है वो कई सारे बीजेपी के जो लोग हैं वो नाराज हैं और वो अपने अपने अहदों से इस्तीफा देकर जो है वो दूसरी पार्टी का जो है वो दामन थाम सकते हैं, जिससे बीजेपी को कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शंस में जो है बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है। तो जनता अपने अपने सुझाव जरूर दे। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।